हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी चैनल। स्टूडेंट्स एएलपी और टेक्नीशियन के लिए मेडिकल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं और किस तरीके से आपका मेडिकल होगा, अगर आप मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं तो क्या आपका दोबारा से रीमेडिकल हो सकता है, क्या है इसका पूरा प्रोसीजर, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको एंड तक काम आएगी रिक्रूटमेंट के। अगर कोई कमी है तो पूरे वीडियो के अंदर आपको कहीं पर भी लगता है कि आपके अंदर यहां पर प्रॉब्लम आ सकती है तो अपना मेडिकल जरूर करवा लीजिएगा क्योंकि आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी अगर आखिरी में जाकर आपको पता चले कि ये प्रॉब्लम है और उस समय में ये चीजें ठीक नहीं हो पाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोसीजर के बारे में इन्फॉर्मेशन। सो स्टूडेंट्स मैंने पूरे टेस्टों को 8 कैटेगरीज के में बांटा हुआ है। पहले मैं बता दूं स्टूडेंट्स आपका जो मेडिकल होगा तो आपको एक स्लिप दी जाएगी जो कि होती है मेडिकल स्लिप, आपको अपने डीआरएम ऑफिस से मिलेगी जिस भी जोन के अंदर या फिर जिस भी बोर्ड के अंदर आप सेलेक्ट होंगे वहां का जो डीआरएम ऑफिस होगा वहां से आपको स्लिप मिलेगी। आप उसे ले जाएंगे मेडिकल हॉस्पिटल में और उस डेट को आपका मेडिकल होगा। अब मेडिकल के अंदर टोटल 8 एग्जामिनेशन होते हैं। मैं A1 कैटेगरी का मेडिकल डिस्कस कर रहा हूं ALP का, और टेक्नीशियन के लिए भी यही मेडिकल अप्लाई होता है, बस आंखों का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा कम हो जाता है टेक्नीशियन में, बाकी सारी चीजें सेम है। अगर आप ALP का मेडिकल क्लियर करते हैं तो आप रेलवे का किसी भी एग्जाम में पास हो सकते हैं मेडिकल के। तो देखिए टेस्टों को मैंने 8 कैटेगरीज में बांटा है जो कि होते हैं। पहला है डायबिटीज टेस्ट, दूसरा है ECG, तीसरा है यूरिन टेस्ट, चौथा है BP यानी ब्लड प्रेशर टेस्ट, पांचवा है ENT, छठा है आई टेस्ट, इसके बाद एक्सरे और आखिरी में प्राइवेट पार्ट हाइड्रोसिल या हर्निया जो इसके अंदर चेक होते हैं। तो चलिए अब वन बाय वन मैं आपको पूरी डिटेलिंग देता हूं कि हर एक टेस्ट में आखिर होता क्या है ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कहीं पर भी। सो स्टूडेंट्स देखिए सबसे पहले बात करते हैं डायबिटीज टेस्ट की। डायबिटीज टेस्ट में आपके ब्लड ग्रुप का थोड़ा सा सैंपल ले लिया जाता है और आपके ब्लड ग्रुप के अंदर कोई शुगर का लेवल है कि नहीं, आपके ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है वो कितना है, और इससे डिटरमाइन किया जाता है कि आप नॉन डायबिटिक है या डायबिटिक है। देखिए जो नॉर्मल वैल्यू होती है डायबिटिक नॉन डायबिटिक पर्सन की वो होती है 80 से लेके 140 मिलीग्राम पर DCL। यहां पर देखिए इतनी वैल्यू में अगर आप हैं तो आप नॉन डायबिटिक हैं, लेकिन अगर आपकी वैल्यू इनसे इंक्रीज करती है तो आप बन जाएंगे टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट। तो यहां पर देखिए डायबिटीज इतनी है नॉर्मल और ये है पहला टेस्ट। नाउ स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट की, तो वो है ECG टेस्ट। आपके पूरे बॉडी के ऊपर यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है बेसिकली चेस्ट एंकल्स और आपके जो रिस्ट होती है उसे यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है ECG मशीन से। आपके शरीर पे एक लिक्विड लगाया जाता है और उसके बाद चेस्ट को इलेक्ट्रोड से ECG मशीन से कनेक्ट किया जाता है और उसके बाद कुछ इस प्रकार की रीडिंग निकलती है जिससे पता चलता है आपको कोई फ्यूचर हार्ट डिजीज या फिर कोई करंट हार्ट डिजीज तो नहीं है, और इसके तरीके से आपका टेस्ट किया जाता है ECG। ECG टेस्ट को करवा लीजिएगा अगर आप ALP पोस्टों के लिए जा रहे हैं तो ALP के अंदर ECG टेस्ट जरूर होता है और काफी मैंडेटरी चीज है ये ALP टेस्ट के अंदर, और काफी बच्चे इसके अंदर भी बाहर हो सकते हैं। तो ECG टेस्ट जरूर करवाइएगा और इसके अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके इलाज अवेलेबल हैं और आप उसको सही कर सकते हैं अपने मेडिकल से पहले। इसके बाद देखिए थर्ड टेस्ट होता है आपका यूरिन टेस्ट। बेसिकली स्टूडेंट्स यूरिन के लिए आपको एक बॉक्स दिया जाएगा या आपको एक बॉटल दी जाएगी, बेसिकली बॉटल दी जाती है कांच की और उसके अंदर आपको अपने यूरिन सैंपल वहां पर सबमिट करना होता है। यूरिन सैंपल के अंदर बेसिकली क्या चेक होता है, दो चीजें चेक होती हैं। पहला होता है एल्बुमिन। एल्बुमिन एक विटामिन होता है जो कि चेक किया जाता है आपके यूरिन के अंदर है या नहीं। बेसिकली आपके यूरिन में एल्बुमिन नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आपके यूरिन के अंदर एल्बुमिन आ रहा है तो इसका मतलब है आगे फ्यूचर के अंदर आपको कोई किडनी की डिजीज हो सकती है। तो एल्बुमिन चेक किया जाता है, इसके साथ साथ चेक किया जाता है शुगर, आपके यूरिन के अंदर शुगर फ्लो कर रहा है नहीं ये भी चेक किया जाता है। तो ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए यूरिन में तो आपका टेस्ट पास माना जाता है। तो अगर आपके आपको लगता है कि ऐसा कुछ आपको प्रॉब्लम आ सकती है तो आप पहले से जाकर किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना मेडिकल करवा सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके यूरिन में ब्लड में ऐसी कोई चीजें तो नहीं है जिससे आप फाइनली मेडिकल से बाहर हो जाएं। आप देखिए ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। ब्लड प्रेशर तो आप सबने देखा ही होगा कैसे नापा जाता है। ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल वैल्यू है वो है डायस्टोलिक में 80 से कम होना चाहिए और 120 से कम होना चाहिए सिस्टोलिक में। तो ये देखिए MM जो इसकी यूनिट्स है नॉर्मल रेंज यही है, इससे ऊपर और नीचे होगा तो आप हाई या लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स कहलाएंगे। और यहाँ पर याद रखिएगा ब्लड प्रेशर के अंदर टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि टेंशन लेने से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और बहुत सारे बच्चों का इसकी वजह से बहुत फ्लक्चुएशन आता है। कई लोग बोलते भी हैं कि
मेडिकल में जाने से पहले दवाई ले लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। तो स्टूडेंट्स ऐसी चीजें बिल्कुल मत कीजिएगा, कई बार ये दवाइयां रिएक्शन कर जाती हैं और इसका आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो अपने माइंड को कूल रखिएगा, योगा करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आपका मेडिकल होगा आप योगा करना स्टार्ट कर दीजिए, माइंड को प्रेजेंट रखिए, आपका मेडिकल आराम से निकलेगा ये सोच के चलिए, मुझे कोई चीज दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके की आप सोच रखेंगे उस वक्त, तब आपका माइंड काम रहेगा और आपका जो बीपी होगा वो नॉर्मल आएगा, अगर आपको एक्चुअल में हाई बीपी या लो बीपी की शिकायत नहीं है तो। और मैक्सिमम बच्चे इसमें पास हो जाते हैं, कोई भी दो राय नहीं है। अभी तक जितने मैंने टेस्ट बताए इसके अंदर बेसिकली यूरिन का एक थोड़ा सा टेस्ट होता है जो जिसमें बच्चे रह जाते हैं, क्योंकि शुगर टेस्ट जो होता है कई बच्चे शुगर के पेशेंट्स पाए जाते हैं आजकल, और यही कारण होता है कि वहां से वो बाहर होते हैं। लेकिन मैक्सिमम 80-90% बच्चे पास हो जाते हैं। बच्चे कहां फेल होते हैं, बच्चे फेल होते हैं आई टेस्ट के अंदर। आई टेस्ट जो होता है रेलवे का वो काफी अच्छी तरीके से होता है स्टूडेंट्स, लोको पायलट की पोस्टों के लिए। टेक्नीशियन में तो इतना नहीं, लेकिन लोको पायलट में बहुत तगड़ा टेस्ट होता है आई का। अब देखिए पहले मैं बता दूं, ईएनटी जो टेस्ट होता है आपका, इसके अंदर बेसिकली आपका दांत चेक किए जाएंगे। और स्टूडेंट्स में से कई वो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर मेरे दांत इधर से टूटे हुए हैं या फिर टेढ़े मेढ़े हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम होगी, तो स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। बेसिकली वो डिजीज देखते हैं, कोई बड़ा डिजीज तो नहीं है। और इसके बाद आपके कान चेक होते हैं, नाक चेक होती है, गला चेक होता है, बेसिकली एक नॉर्मल चेकअप होता है और इसमें सब बच्चे पास हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ईएनटी को लेकर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, इसमें आराम से बच्चे पास होते हैं। अब देखिए आई टेस्ट, ये सबसे बड़ी बात है, यहां पर जो आई टेस्ट है वो है A1 ALP के लिए, और बाकी सब कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं C1 B2 B1 और NTPC जो पोस्टें होती हैं वहां पर आपका गार्ड के लिए होता है A2, तो A2 होता है वहां पर, ASM के लिए भी A2 होता है। और A1 जो होता है सबसे बेस्ट मेडिकल माना जाता है और ये होता है लोको पायलट के लिए। तो ठीक है, रेलवे 3 साल के अंदर मेडिकल करवाता रहता है अपने एम्प्लॉयज का। और यहाँ पर जो पहला मेडिकल आपका A1 का होगा, ALP के लिए बता रहा हूँ, 6x6 आपकी आई चाहिए विदाउट ग्लासेस विद फॉगिंग टेस्ट। फॉगिंग टेस्ट के अंदर विद फॉगिंग टेस्ट के साथ आपको चेक किया जाएगा, नियर विजन आपका 0.6 से लेकर 0.6 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोक्युलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन एंड मैस्कोपिक विजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि वहां पर आपके ये सब चीजें चेक होती हैं। अब मैं बात करूंगा, सबसे पहले एक टेस्ट किया जाता है आपके कलर विजन के लिए, ताकि आपको जो लाइटें हैं सिग्नल हैं वो हरी जल रही है कि लाल जल रही है आपको पता तो चले। तो कलर विजन बहुत जरूरी होता है यहाँ पर, कलर ब्लाइंड पर्सन यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते रेलवे की बहुत सारी पोस्टों में। तो यहाँ पर सबसे पहले कलर विजन की बात करते हैं, तो कलर विजन के अंदर आपको देखिए ये टेस्ट कहलाता है इशारा टेस्ट। इशारा टेस्ट के अंदर बेसिकली आप दिख रहा है ये पहले ब्लॉक के अंदर कौन सा नंबर है, तो जो कलर ब्लाइंड नहीं होगा उसको ये नंबर 7 दिख रहा होगा और बाकी जो होंगे उनको यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए इसके अंदर आपको 13 दिख रहा होगा, इसमें 16 दिख रहा होगा जो कलर ब्लाइंड नहीं है, इसमें आपको 8 दिख रहा होगा, इसमें आपको दिख रहा होगा 12 और इसमें आपको दिख रहा होगा 9। तो यहाँ पर एक और नंबर है स्टूडेंट, जब कलर ब्लाइंड होते हैं आप तो आपको दूसरा चीज दिखाई देती है, इसकी वजह से यहाँ पर ये टेस्ट रखा जाता है कि आप सिग्नल अच्छी तरह से देख सकें। सो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम जो आपका डिस्टेंस विजन टेस्ट होता है। डिस्टेंस विजन टेस्ट के अंदर बेसिकली आपको दूर रखी हुई कोई चीज पढ़ाई जाती है, वहां पर जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ऐसी कोई चीज नहीं होती, वहां पर आपको एक बॉक्स होता है, वुडन बॉक्स होता है काफी बड़ा, और उसके अंदर अलग अलग साइज के सर्कल्स होते हैं, यानी गोले बने होते हैं अलग अलग साइज के, जिसके अंदर लिखा रहता है सी अल्फाबेट। इसको बेसिकली लैंग्वेज में इंग्लिश मतलब की रेलवे की लैंग्वेज में सी टेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो सी होता है ये मूवेबल होता है, यानी इस गोले को आप घुमा सकते हैं जिससे कि ये सी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और वहां पर आपको अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग अरेंज होता है, यानी ये 6x36 होगा, 6x12 होगा, 6x9 होगा, उसके बाद 6x12 होगा, 6x6। तो जो परफेक्ट आई होती है वो 6x6 होती है। और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप, सबसे पहले आपको थोड़ा छोटा पढ़ाया जाएगा, अगर आप नहीं पढ़ पाए तो थोड़ा बड़ा पढ़ाया जाएगा, या फिर थोड़ा बड़ा पढ़ाया जाएगा पहले, उसके बाद थोड़ा छोटा पढ़ाया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं कि आपकी आंखें किस लेवल की हैं। इसके साथ साथ वो क्या करते रहते हैं स्टूडेंट्स, इस सर्कल को ना घुमाते रहते हैं, जिससे कि जो सी की डायरेक्शन होती है वो कभी इस तरफ होती है, कभी इस तरफ होती है, कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है। और वो आपसे पूछते हैं कि बताइए कि सी का जो मुंह है यानी जो फेस है वो किस तरफ है, क्या वो इस राइट डायरेक्शन में है या लेफ्ट डायरेक्शन में है, क्या अपसाइड है या डाउनसाइड है। जैसे ही आप बताते हैं वो तो आप जज कर लेते हैं कि आपको आपका डिस्टेंस विजन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट है या नहीं। इसके अंदर अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं डिस्टेंस विजन के, 6x6 और 6x9 और 6x12, ये काफी पोस्टों के अंदर है। अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स
विजन की तो पहले आपको एक आंख से चेक किया जाता है लेफ्ट आई से, फिर राइट आई से चेक किया जाएगा और उसके बाद आपको पूरा पढ़ाया जाएगा एक चश्मा पहनाकर। उसमें बेसिकली आपको एक चश्मा पहना देते हैं, उसमें एक लेंस एक तरफ से बंद कर देते हैं, एक आंख से आपको पढ़वाते हैं। जब आपकी वो आंख का पता चल जाता है कि उस आंख का क्या नंबर है, तो उसके बाद आपको ये कवर करके इसे दूसरी आंख से पढ़वाया जाता है। इसके बाद आपके आपको दिया जाता है एक उनके पास कॉपी होती है जिसमें इशारा टेस्ट होता है, जिसके बारे में बता ही चुका हूँ आपको। और उसके बाद आपको एक छोटी सी किताब दी जाती है जिसके अंदर काफी छोटे छोटे अल्फाबेट लिखे जाते हैं हिंदी में और आपको वो पढ़ने होते हैं। तो ये टेस्ट होते हैं मेडिकल में। इसी तरीके से आपका नाइट विजन टेस्ट भी होता है, अंधेरे में आपको पढ़ाया जाता है, और बाइनोकुलर टेस्ट भी होता है। कुल मिला के बाइनोकुलर टेस्ट इसे ही कहते हैं और इसी तरीके से ये चेक किया जाता है। तो स्टूडेंट देखिए, एक्सरे होता है आपका जिसमें बेसिकली आपका बस चेस्ट का एक्सरे होता है। यहाँ पर देखा जाता है कि आपके डायफ्राम्स और आपके जो चेस्ट की बोन्स है वहां कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिजीज तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है आपके बॉडी के अंदर, क्योंकि कई टीवी या फिर किसी ऐसे बीमारी के अंदर आपके यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो वो चीज देखने के लिए बेसिकली यहाँ पर होता है कि बलगम तो बहुत ज्यादा नहीं जमा है छाती के अंदर, या तो ये सब चीजें आपके एक्सरे से चेक होती हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट देखिए, अब आ गया प्राइवेट पार्ट्स। प्राइवेट पार्ट्स का आपका जो चेकअप होता है इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं, जैसे ही आप जाते हैं डॉक्टर के रूम में तो डॉक्टर आपको पूरे कपड़े उतरवा देता है और आपके प्राइवेट पार्ट्स को चेक किया जाता है कि आपको हर्निया है कि नहीं है, हाइड्रोसिल है कि नहीं है, या फिर आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उसके अंदर कोई स्किन डिजीज तो नहीं है आपको, या आपके जो हाथ हैं वो सही से काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है आपकी हड्डियों में कोई प्रॉब्लम हो। आपको उठक बैठक करवाई जाती है ताकि ये देख लिया जाए कि आपके घुटनों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करने को कहा जाता है ताकि ये देख लिया जाए कि आपको कोई और इस टाइप की दमे की या फिर कोई ऐसी बीमारी ना हो जिससे आपकी वर्किंग के ऊपर असर पड़े जब आप सेलेक्ट हो जाए एएलपी पोस्टों में। तो ये थे स्टूडेंट्स कुछ ऐसे टेस्ट जो होते हैं रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर एएलपी और टेक्नीशियन पोस्टों में। एएलपी और टेक्नीशियन में बस इतना सा डिफरेंस है कि वहां आई का जो आपका रेशियो है वो थोड़ा कम हो जाता है। एएलपी में बेस्ट आई चाहिए एक तरीके से और टेक्नीशियन में थोड़ी कम, बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। बाकी सारे अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं ट्राई करूंगा आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर करने की। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।